मूवी की स्टार्टिंग एक प्रेग्नेंट लेडी से होती है जो अपने अनबॉर्न चाइल्ड को टच करते हुए उसे कुछ कहते हुए फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम रेबिका को बीच साइड पर आफ्टर स्विमिंग कपड़े चेंज करते हुए देखते हैं जो कि 14 से 15 साल की है। तभी एक लड़का जिसका नाम टॉमी था उसे कंटिन्यू वॉच करते हुए उसके पास से गुजरता है, लेकिन वो उससे एक शब्द भी नहीं बोलता। रेबिका अपने ग्रैंडपा के घर जर्मनी अपनी वेकेशन पर आई थी। रात को रेबिका को दिखाया जाता है जो खुद के पेट को टच करते हुए देखती है। तभी उसके दादाजी वहाँ आ जाते हैं और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे वो वापस उसी जगह जाती है तो वो टॉमी खुद उसके पास आकर के उसे अपना इंट्रो देता है। तभी कुछ बच्चों को आता देख करके टॉमी वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे टॉमी वापस रेबिका से मिलता है। दोनों दोस्त बन चुके थे। इवन रेबिका टॉमी के साथ उसके घर पर भी कभी कभी नाइट स्पेंड करने लगी थी। दोनों को एक साथ रहना अच्छा लगता था। एक दिन रेबिका उसे बताती है कि वो कल जा रही है, उसकी मदर को टोक्यो में जॉब मिला है। दोनों उदास हो जाते हैं। टॉमी उसे किस करता है और रेबिका टोक्यो चली जाती है। अगला सीन मूवी में कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है जो कि रेबिका अब बड़ी हो चुकी है, मीन्स अडल्ट हो चुकी है, अब वापस जर्मनी लौटी है। वो टॉमी से मिलने आई है पर उसे पता चलता है कि टॉमी ने काफी समय पहले जर्मनी को छोड़ चुका है, लगभग 12 साल हो चुके हैं। रेबिका टॉमी की मदद से उसका एड्रेस लेकर के उसे मिलने पहुंचती है। रूम के अंदर एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी जो कि टॉमी की गर्लफ्रेंड थी। तभी टॉमी भी पीछे से आवाज लगाता है, हु आर यू। रेबिका उसे टर्न करके देखती है और उसे टॉमी बोलती है। टॉमी भी उसे पहचान जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देख करके बहुत खुश थे। वो तीनों बैठ करके बातें करते हैं पर टॉमी और रेबिका को आपस में इतना खुश देख करके टॉमी की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे जेलस फील होता है और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। रेबिका एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, टॉमी एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज फाइटर अगेंस्ट द बायोटेक कॉर्पोरेशन में। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। दोनों वापस मिलकर के खुश थे। दोनों वापस से पहले के जैसे एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने लगे थे, लाइक बीच पर मिलना, घंटों बातें करना। रेबिका को टॉमी से प्यार था, इसीलिए उसे अपने लिए और टॉमी के बचपन का हर एक किस्सा याद था। इवन टॉमी ने भी अपनी और रेबिका से जुड़ी हर एक चीज को संभाल करके रखा था। फिर वो छोटा सा स्नेल ही क्यों ना था, मतलब दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे। स्नेल को देख करके रेबिका इमोशनल हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। टॉमी रेबिका को बताता है कि वो एक बायोलॉजिस्ट है और किसी एनवायरमेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है और वो जानवरों की क्लोनिंग करके जानवरों की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता है। अब टॉमी उसे अपने खुद के कुछ क्रिएचर्स की क्लोन्स दिखाता है। रेबिका टॉमी के साथ में हर सिचुएशन पर खुश थी। नेक्स्ट डे दोनों इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे, वो ऑन द वे ही थे, दोनों बातें कर ही रहे थे कि रेबिका को टॉयलेट जाना पड़ता है। टॉमी गाड़ी रोकता है, रेबिका बाहर जाती है, पीछे से टॉमी भी बाहर निकलता है और एक गाड़ी उसे हिट कर चली जाती है और ऑन स्पॉट टॉमी मारा जाता है। ये देख करके रेबिका भी दुखी हो जाती है और वो सदमे में चली जाती है। अब वो उस स्नेल के मैच बॉक्स को खोल करके देखती है जिसमें उसे एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, लाइक रिसिप्ट, जिस पर लिखा था वो उसका हमेशा इंतजार करेगा। रेबिका टॉमी की डेथ से बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो सुसाइड करने तक की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। अब एक दिन वो टॉमी के ग्रेव पर आती है, कुछ फूल चढ़ा करके टॉमी के पेरेंट्स को घर पर मिलने के लिए बुलाती है जो टॉमी की डेथ से बहुत दुखी थे। जब वो उसके घर आती है तो टॉमी की मदर रेबिका पर नाराज थी, वो उसके घर में बैठने तक का मना कर देती है। तब रेबिका उन्हें कुछ पेपर दिखाती है। दरअसल रेबिका टॉमी का क्लोन बनाना चाहती थी जिसके लिए टॉमी के पेरेंट्स के स्किन टिश्यूज चाहिए थे, पर टॉमी की मदर रेडी नहीं होती। वो रेबिका को पूछती है कि उसे जन्म कौन देगा, जिसके लिए खुद रेबिका रेडी थी, पर फिर भी वो ये नहीं चाहती थी क्योंकि उनका कहना था कि ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट होगा, लेकिन रेबिका चाहती थी। वो वहाँ से चली जाती, लेकिन टॉमी के फादर राल्फ वो बच्चा चाहते थे। और नेक्स्ट डे ही वो अपने और अपनी वाइफ के सेल टिश्यूज को लेकर के उसके पास पहुँचते हैं और उसे एक बार और अच्छे से सोचने का बोलते हैं। रेबिका वापस टोक्यो लौट जाती है और टॉमी के डीएनए के थ्रू अपने प्लान को कंटिन्यू करती है, टॉमी के क्लोन को कंसीव करती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो टॉमी की ग्रेव पर भी विजिट करने जाती है और कुछ ही दिनों में रेबिका सी सेक्शन के थ्रू टॉमी को जन्म देती है। अब रेबिका उसके अपने बेटे की तरह देखभाल करती है और वो बच्चा रियलिटी में टॉमी का क्लोन था। रेबिका वापस जर्मनी लौटती है टॉमी को लेकर के। समय गुजरता है, बच्चा बड़ा होने लगता है और बच्चा रेबिका से अपने फादर के बारे में पूछता है तो रेबिका उसे बताती है कि उसके जन्म से पहले उसके फादर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो उसका नाम भी टॉमी ही रखती है क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू टॉमी जैसा ही लगता था। एक दिन रेबिका टॉमी के दोस्त डीमा को घर पर इनवाइट करती है पर डीमा मना कर वहाँ से चली जाती है। डीमा की मॉम
रिबेका को बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे एक क्लोन के साथ रहें। वो अपने बेटे को उनके बच्चों से दूर रहने का एडवाइस देती है। इस पर रिबेका को बहुत बुरा लगता है, पर रिबेका टॉमी के साथ में अब ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी ताकि उसे किसी भी फ्रेंड की जरूरत ना हो। पर टॉमी के बर्थडे पर भी कोई नहीं आता। इस बात पर टॉमी और रिबेका बहुत दुखी होते हैं। पर अब रिबेका को समझ आ चुका था कि अगर वो अब यहाँ पर और ज्यादा रुकती है तो टॉमी को भी पता चल जाएगा कि वो एक क्लोन है। अब रिबेका सबसे दूर जाकर के रहने लगती है अकेले में। कुछ सालों के बाद में टॉमी एडल्ट हो चुका है और अब हूबहू पिछले वाले टॉमी के जैसा ही दिखता है। एक दिन टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को अपने घर लेकर के आता है और अपनी मदर से मिलवाता है, जिसे देख करके रिबेका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर मोनिका कुछ दिन के लिए उनके घर ही रुकने वाली है। पर रिबेका खुश नहीं थी क्योंकि वो खुद को उसके साथ में इनसिक्योर फील करती थी। प्रेजेंट वाले टॉमी को भी पास्ट वाले टॉमी के जैसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। अब टॉमी रिबेका को छोड़ करके मोनिका के साथ में ज्यादा समय स्पेंड करने लगा था। वो दोनों की अपनी नई दुनिया थी, जैसे कि कभी रिबेका और टॉमी की हुआ करती थी। अब रिबेका अकेली पड़ जाती है, वो अकेले अपने रूम में रहती है। वो दोनों एक साथ ये देख करके रिबेका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो भी उनके साथ में रहना चाहती थी, पर उन दोनों ने खुद को रिबेका से बिल्कुल अलग कर लिया था। एक दिन जब टॉमी अपने रूम में अकेला सो रहा था, मोनिका वॉकिंग कर रही थी, तभी रिबेका टॉमी के पास उसी के ब्लैंकेट में आकर के सो जाती है। टॉमी को लगता है कि वो मोनिका है, वो उसकी क्लोज जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो उसकी मदर रिबेका है, वो उठ करके खड़ा हो जाता है। टॉमी को यह सब बहुत अजीब लगता है। तभी मोनिका भी वहाँ आ जाती है। वो टॉमी की क्लोज होने लगती है, एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रिबेका खुद को ऐसे प्रिटेंड करती है मानो वो सो रही है, जबकि ब्लैंकेट के अंदर से वो ये सब चुपचाप देख रही थी। मोनिका और टॉमी मस्ती करते हुए रिबेका के पास आते हैं। टॉमी रिबेका के साथ में मस्ती करने लगता है और उसकी शर्ट के अंदर चला जाता है। रिबेका और टॉमी को इतना क्लोज देख करके मोनिका कंफर्टेबल फील करती है और वो वहाँ से अंदर रूम में चली जाती है। रात को टॉमी और मोनिका इंटीमेट होते हैं और रिबेका उन दोनों की आवाजें सुनने की कोशिश करती है, पर तीनों ही डिस्टर्ब थे। अब मोनिका रिबेका से बात करने की कोशिश करती है, वो सॉल्यूशन चाहती थी, पर रिबेका उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मोनिका उसके और टॉमी के बीच में आ रही है क्योंकि वो पहले ही इनसिक्योर फील करती थी। नेक्स्ट डे टॉमी की रियल मदर उसे मिलने आई है, जो कि काफी ओल्ड हो चुकी है। वो भी टॉमी के देख करके हैरान थी क्योंकि वो हूबहू पास्ट वाले टॉमी जैसा लग रहा था, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हालांकि टॉमी को ऐसा फील होता है कि वो पहले से उसे जानता है, वो उससे पहले मिला है, वो उसे अच्छे से जानता है। रात को टॉमी रिबेका से उसके ओल्ड मॉम के बारे में पूछता है, जो सुबह उससे मिलने आई थी लेकिन बिना बोले चली गई। पर रिबेका उसे कुछ नहीं बताती, पर टॉमी उस पर गुस्सा करता है। वो उसे बोलता है, जो भी हो मैं उस ओल्ड लेडी को जानता हूँ और तुम भी, फिर क्या है जो तुम छिपा रही हो मुझसे। टॉमी को ऐसा करता देख करके मोनिका भी उसे छोड़ करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो काफी वियर्ड हरकतें करने लगा था। और आज वापस टॉमी रिबेका से अपने फादर के बारे में पूछता है और आज वो उसे सब सच बता देती है। वो उसे अपनी और टॉमी के बचपन की कुछ फोटोज दिखाती है। उन फोटोज में टॉमी अपने असली पेरेंट्स के साथ है, जिसमें रिबेका भी उसके साथ थी। इवन लैपटॉप में उन सभी के साथ में स्पेंड किए गए मोमेंट की वो वीडियोज भी देख करके सब हैरान था। टॉमी सोच में पड़ जाता है, आखिर रिबेका उसे बता ही देती है कि वो टॉमी का क्लोन है। इस सब से टॉमी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और इसी कंफ्यूजन में वो रिबेका के साथ में इंटीमेट भी होता है। रिबेका इस सबसे खुश थी क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी, लेकिन उसकी खुशी बहुत ही छोटी सी थी। नेक्स्ट डे ही टॉमी रिबेका को छोड़ करके चला जाता है और रिबेका वापस से अकेली रह जाती है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मूवी स्टार्ट हुई थी। प्रेग्नेंट लेडी जो की अपने अनबोर्न चाइल्ड को टच करके फील करने की कोशिश कर रही थी, उसे कुछ कह रही थी जो की खुद रिबेका ही थी। और इस जगह हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए